जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कैसे हैं प्यारे मित्रों? आप सबके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आनंद में रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज की ये मेरी वीडियो प्यारे मित्रों बड़ी अच्छी वीडियो है, और इससे पहले मैंने तीन दिशाओं के ऊपर वीडियो मैंने डाली है, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा। हमारे घर का, हमारे व्यापार का वास्तु कैसा होना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी गलतियों से ही अपने अच्छे भले घर में, अपने सुंदर और विशाल घर में अपनी गलतियों से ही हम लोग कुछ ऐसे निर्माण करते चले जा रहे हैं, कुछ ऐसे अनर्गल स्थापना करते जा रहे हैं जिनकी वजह से अच्छा भला भूखंड होने के बावजूद भी हम लोग उस घर में परेशान हैं, दुखी हैं, आमदनी नहीं बढ़ती, संतान नहीं होती। प्यारे मित्रों, यदि घर में वास्तु दोष हो जाता है, कुछ ऐसे घर में कोण होते हैं, यदि उन कोणों को में यदि वास्तु दोष हो जाता है तो घर में पुत्र भी नहीं होता, संतान होने में बड़ी दिक्कत होती है। तो प्यारे मित्रों, वास्तु का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। ये वास्तुशास्त्र हमारे जीवन को ऊंचाइयों पर भी लेके जाता है, और यदि मकान बनाने में हमसे कोई त्रुटि हो जाए, कुछ गलती हो जाए, तो मकान वही है, भूमिखंड वही है, लेकिन कमी होने के कारण, वास्तु की कमी होने के कारण, दोष होने के कारण हम लोग नीचे नीचे गिरते चले जाते हैं। कितनी भी मेहनत कर लें फल नहीं मिलता, कितना भी भला कर लें लोगों का यश नहीं मिलता। आज की जो दिशा है वो है उत्तर दिशा। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा के बारे में आपने जाना, आज की दिशा उत्तर दिशा है। और इसके बाद हमारे चार कोण हैं, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। इन चारों कोणों का वास्तु कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको शीघ्र ही अपनी अगली वीडियोस में एक एक कोण के बारे में अलग से बताता चला जाऊंगा, और उपाय भी उसका बताऊंगा मैं आपको। लेकिन आज का हमारा विषय है उत्तर दिशा। प्यारे मित्रों, उत्तर दिशा के स्वामी हैं बुध, और अधिपति देवता हैं धन के देवता, कुबेर देवता। धन के स्वामी कुबेर देवता। धन कौन नहीं चाहता, यश कौन नहीं चाहता, लेकिन ये आएगा कहाँ से? ये उत्तर दिशा से आएगा, ये बरसेगा कुबेर की दृष्टि से। हमारे परिवार में, हमारी फैक्ट्री में, हमारी दुकान में यदि धन आएगा तो कुबेर जी की उस दिव्य दृष्टि से उस परिवार में धन की बरकत होगी। उत्तर दिशा जो है ये धन का स्थान है, देव स्थान है, अति पवित्र स्थान है। लेकिन यदि हमने अपनी गलतियों की वजह से उत्तर दिशा को खराब कर दिया तो वही धन का आगमन रुक जाएगा, यश प्रसिद्धि रुक जाएगी, और उसकी बजाय घर में रोग बढ़ जाएंगे, घर में तनाव बढ़ जाएगा, घर में वैमनस्यता बढ़ जाएगी। तनाव इतना बढ़ेगा कि आपस में किसी के विचार ही नहीं मिलेंगे। लेकिन यदि हमने अपने घर की उत्तर दिशा को खराब कर दिया तो अपमृत्यु भी हो जाती है, अकाल मृत्यु जिसे बोलते हैं। आप अच्छी तरह से समझें इन दिशाओं को। उत्तर दिशा स्वामी हैं बुध, कुबेर देवता अधिपति देवता हैं। उत्तर दिशा में कभी भूल करके भी रसोई नहीं होनी चाहिए। रसोई का स्थान मैंने आपको बताया कि वो अग्नि कोण, जहाँ पर अग्नि का वास है, जहाँ की तरंगे गर्म हैं। लेकिन उत्तर दिशा क्या है? ये जल का स्थान है, ये ठंडा स्थान है, ये शांतिप्रिय स्थान है। लेकिन अगर हम उसी जल के स्थान पर, उसी ठंडी जगह पर अग्नि को जलाएंगे तो क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं।
सर्दी भी और गर्मी भी, और सर्दी और गर्मी जब दोनों हो इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, रोग होगा। और उस स्थान पर बनी हुई रोटी हम खाएंगे, उस स्थान पर बने हुई चाय हम पिएंगे, दूध हम पिएंगे, भोजन हम करेंगे, तो हमारे शरीर में जा करके उसकी कितनी ऊर्जा जाएगी शरीर के अंदर, वो बुरी ऊर्जा जब शरीर के अंदर जाएगी तो हमारा शरीर रोगी हो जाएगा। और धन आने का जो मार्ग है उस मार्ग पर हमने अग्नि जला दी। तो प्यारे मित्रों, भूल करके भी रसोई जो है उत्तर दिशा में नहीं होनी चाहिए। यही रसोई अग्नि कोण में होगी तो फल देगी, क्योंकि अग्नि का स्थान है वहाँ पर। ऐसे ही जो देव स्थान है जहाँ देव वास करते हैं, उस स्थान को सुंदर साफ बना करके रखें घर के अंदर, स्वच्छ बना करके रखें घर के अंदर। यदि भूल से भी आपने उधर शौचालय बना दिया, उत्तर दिशा में यदि आपने शौचालय बना दिया तो क्या हालत होगी, देवता भी उस घर को नहीं देखते, रोग जो है उस घर में प्रवेश करने लगता है। इसलिए उत्तर दिशा में भूल करके भी प्यारे मित्रों शौचालय कभी मत बनाना। हाँ, उत्तर दिशा में आप मंदिर बना सकते हो, क्योंकि देवस्थान है हरिद्वार, उत्तराखंड, कनखल, भगवान शिव भी वास करते हैं, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी वास करते हैं, आप सभी जानते हैं ये देवस्थान है। अगर हम उत्तर दिशा में मंदिर बनाते हैं प्यारे मित्रों तो बहुत ही शुभ है। जो ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश करेगी वो स्वस्थ ऊर्जा प्रवेश करेगी, आपके घर में खुशियां लेकर के आएगी, आपके घर में धन को लेकर के आएगी, यश को लेकर के आएगी, सम्मान बढ़ेगा घर में रहने वालों का। इसलिए उत्तर दिशा में मंदिर को बनाना बहुत ही शुभ है। और इसी उत्तर दिशा में आप कोषागार बना सकते हैं, अर्थात धन रखने का स्थान, तिजोरी, तिजोरी में धन आता रखते हो आप लोग, तिजोरी रख सकते हैं, गहने रख सकते हैं, स्वर्ण है धातु चांदी ये रख सकते हैं उत्तर दिशा में। और जो फिक्स डिपॉजिट के जो पेपर होते हैं जो हम लोग बचत करके रखते हैं, उसके कागजात, मकान के रजिस्ट्री, ये सब उत्तर दिशा में रख सकते हैं। और जो भी ऐसे कागजात हों जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हों, विद्या से संबंधित हों, बच्चों की सर्टिफिकेट्स तो हों, ये हम उत्तर दिशा में रखें तो बहुत ही शुभ है। उत्तर दिशा में खिड़कियाँ रोशनदान बनाएं, बहुत ही शुभ है। जब हम खिड़कियाँ रोशनदान खोलेंगे तो दिव्य दृष्टि जो है मकान के अंदर, कुबेर देवता की दृष्टि जो है उन खिड़कियों से हमारे मकान के अंदर देवों की दृष्टि पड़ेगी। तो खिड़कियाँ अच्छी हैं, बनाइए। रोशनदान भी अति शुभ हैं। बच्चों के अध्ययन का कक्ष, बच्चे जब पढ़ते हैं उनके लिए अध्ययन का कक्ष आप उत्तर दिशा में, ईशान दिशा में आप बना सकते हैं। उत्तर दिशा में यदि अध्ययन कक्ष होगा, ईशान कोण में यदि अध्ययन कक्ष होगा, तो बच्चे यदि पढ़ेंगे तो उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर होगी, खूब अच्छी विद्या को प्राप्त करेंगे, बड़े ज्ञानी बनेंगे। थोड़ा सा पढ़ने से उनको याद हो जाएगा, थोड़ा सा यदि पढ़ाई करेंगे तो उनको याद हो जाएगा क्या मैंने क्या पढ़ा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो आप इस दिशा में बच्चों का अध्ययन कक्ष बना सकते हैं। बालकनी, बरामदा भी शुभ है। मकान की बालकनी बनाना चाहें, बरामदा बनाना चाहें तो ये भी शुभ है। मुख्य द्वार भी शुभ है। यदि पार्क और बगीचा हो घर के अंदर उत्तर दिशा में तो वह भी शुभ है। लेकिन आपके घर में उस पार्क और बगीचे में ज़्यादा ऊंचे पेड़ नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे पेड़ होने। और
फूलों वाले गमले हों, तुलसी हो, ऐसे छोटे छोटे पेड़ हों। ज़्यादा ऊंचे पेड़ होंगे तो वो दिशा भ्रम हो जाएगा, वेद दिशा वेद हो जाएगा। इसलिए प्यारे मित्रों, उत्तर दिशा बड़ी शुभ दिशा है, देवों का स्थान है। आप अवश्य ही इन नियमों का पालन करते हैं अपने घरों में, तो आपके घर में हर प्रकार से सुख शांति, धन धान्य, वंश वृद्धि बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बिना किसी उपाय के बढ़ती चली जाती है। धन भी खूब बढ़ेगा आपका। आपको मेरी वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ सभी को जो है इस ज्ञान की प्राप्ति हो और अच्छा फल की प्राप्ति हो। और यदि आप वास्तु के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहते हैं, किसी विशेष स्थिति के बारे में, दुकान के मकान के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, फैक्ट्री के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्यारे मित्रों आप मुझको मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि पर्सनल विजिट कराना चाहते हैं, आप मुझको फ़ोन करके अपना मकान, गोदाम, दुकान, फैक्ट्री जो कुछ भी दिखाना चाहते हैं वास्तु के हिसाब से, और मैं आप उसकी मुझको व्हाट्सअप करें, मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, मैं वास्तु विजिट में आकर के आपके मकान को देख भी सकता हूँ। मैं पंडित अनिल कौदंड श्याम सखा, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।